हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। आज हम बात करेंगे 2018 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिक सारे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले रेशियो का एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं कर रहे तो आगे का क्या करोगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज टू बी 7:9 है, ए प्लस बी 112 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों को मिलाकर, ए प्लस बी मिलाकर 112 है, लेकिन हमको बी का ही केवल चाहिए। तो बी का रेशियो दिया हुआ, बी का ए बी का रेशियो दिया हुआ। तो ए बी का रेशियो को क्या किया जाता है दोस्तों, प्लस कर दिया जाता है। ए इज टू बी जो रहेगा आपका 7:9 रहेगा, लेकिन इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। तो प्लस करके क्या होगा, 16, 16 इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, नीचे पुट किया जाता है। और टोटल कितना है दोस्तों, 112। टोटल इतना 112 है, और हमको कौन सा वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकाल। तो बी का वैल्यू क्या रहेगा, बी का वैल्यू 9 है। किसमें 9 है, बी का वैल्यू तो 9 है ही। नीचे दोनों वैल्यू को प्लस कर देने पर 16 हमारा आया है, और बीच में इंटू का साइन दे दिए, क्योंकि हमको इन दोनों को डिवाइड करके ही सिंगल का वैल्यू निकलेगा। तो हमको बी का वैल्यू निकालना था, तो 9 ऊपर पुट कर दिए, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखे, और टोटल है 112। तो इनको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 16 से 1 1 2 को डिवाइड करें 7, तो 7 से कट गई, 7 × 9 आंसर आपका आ गया 63। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, 1 मिनट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैं आपको ये बता दिया हूँ, आप एक बार फिर से देख लो। तो ये काफी इजी क्वेश्चन आए थे, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगा था, तो इसलिए और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन ले लिए हैं 2018 का। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हो 2017 का, वैसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके टीसीनेट में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए आप। तो सीरीज का क्वेश्चन 100% बोल दे रहा हूँ 2019 में ही रहेगा। ये 2019 में आपको आने वाला वाला ही है, आप इसका तैयारी कर लो। और इसका तैयारी कैसे करना है, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हो, और मैंने एक सेट भी बनाया, जो एक आपने सुना होगा 399 का प्रोग्राम मैंने किया है, उसमें सारा क्वेश्चन को मैंने सेट किया गया है। उसको आप एक बार सॉल्व करोगे तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। तो 399 का प्रोग्राम के लिए आपको साइड इफेक्ट TISS में आपको @gmail.com में आपको मेल कर देनी है। आपको मैं डिटेल बता दूंगा आपको कैसे एनरोल करना। 399 रुपीज़ का प्रोग्राम है ओनली। तो ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको मिलेंगे, और उसको सॉल्व करने से आपको इजीली सॉल्व कर दोगे, और अकॉर्डिंग टू TISS.NET सिलेबस पे बनाया गया। तो आप इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, 7, 13, 21, 43, 57 बीच में डैश है। अब आगे बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, इंटू हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो मालूम है क्योंकि मैं बहुत बार बताता हूँ। लेकिन ये भी जान लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं बेसिक्स के ही बारे में ही आपको बताऊंगा। तो 7, 13, 21, 43, 57 है, तो कैसे हो रहा है। तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इसमें 6+ हो रहा है, इसमें 8+ हो रहा है, इसमें अब 10+ होगा, इसमें 12+ होगा, इसमें 14+ होगा। जैसे 10 डालोगे तो ये 31 हो जाएगा, 31 में 12+ करोगे, प्लस हो रहा, 31 में 12+ करोगे तो 43 आ जा रहा है, और 43 में 14+ करोगे तो 57 आ जा रहा है। तो एक बेसिक सा हमने आइडिया ले लिया। देखो, रीजनिंग में सभी के अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने का, अलग अलग थिंकिंग रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई रूल्स है, ये है। अब मैंने ये सिंपल तरीका आपको बता दिया कि ऐसे करके 31 आंसर आ जाएगा। लेकिन एक जो फॉर्मल आंसर होती है, तो उसका आंसर कैसे होता है,
तो इसमें एक रूल्स फॉलो कर रहा है, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो दोनों को हम लोग जब इंटू कर रहे हैं इसको, तो हमें 6 पाया जा रहा है, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, और 6 2 जा 12, एंड 7 2 जा 14। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, क्योंकि ये फॉर्मल तरीका है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओगे, इतना टाइम देने का दरकार नहीं। आप देख रहे हो इतने ना बढ़ रहा है, 2 का गैप में बढ़ रहा है, आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे, और मैं तो गारंटी बोल सकता हूँ कि नंबर सीरीज क्वेश्चन आना ही आना है एवरी ईयर। तो आप इसका तैयारी करो, मेरे PDF से भी तैयारी कर सकते हो। अगर तैयारी करना हो तो इस पर मेल कर देना, और मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो में डालते रहूँगा, आप वो भी वीडियो को देखते रहना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।